आज मैं आपको डाकनी साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। यह दो प्रकार की होती है। पहली स्थूल रूपी डाकनी साधना। स्थूल रूपी डाकनी साधना की संपूर्ण विधि बहामार्गी पद्धति से की जाती है। साधक को स्थूल रूपी डाकनी साधना करने के लिए सर्वयोग गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तंत्र शास्त्र में उल्लेख मिलता है कि स्थूल रूपी डाकनी की शक्तियाँ बेहद प्रचंड होती हैं, जिसको अकेले साधक का नियंत्रण करना कठिन माना गया है। लेकिन जब साधक के साथ गुरु की कृपा होती है, तब उस स्थिति में साधक स्थूल रूपी डाकनी की प्रचंड उग्र शक्तियों को धारण करने की क्षमता रख लेता है। दूसरी साधना सूक्ष्म रूपी डाकनी साधना है। सूक्ष्म रूपी डाकनी साधना अर्थात सूक्ष्म रूपी डाकनी हमारे मूलाधार चक्र में निवास करती है। अतः योग जानकार गुरु के दिशा निर्देश और मार्गदर्शन से उच्च यौगिक क्रियाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के परिणाम एवं मुद्राओं से सूक्ष्म डाकनी को सिद्ध किया जाता है। इसके सभी मंत्र अत्यंत गुप्त हैं। डाकनी का स्वरूप कैसा होता है? तंत्र शास्त्र में स्थूल डाकनी की व्याख्या की गई है कि स्थूल डाकनी जो होती है उसका स्वरूप कैसा होता है। स्थूल रूपी डाकनी स्त्री रूपी भयंकर तामसी काले वस्त्र धारण किए डरावने स्वरूप वाली होती है। लेकिन यह डाकनी साधन या साधक के सामने सर्वप्रथम अत्यंत सुंदर मनमोहक रूप में सामने आती है, ताकि साधक की साधना भंग हो जाए। उसके बाद जब साधक डाकनी के सुंदर रूप मुंह में नहीं आता, तत्पश्चात डाकनी भयंकर डरावने स्वरूप में साधक के सामने एकदम से प्रकट हो जाती है। लेकिन तब भी यदि साधक की साधना नहीं भंग होती है, तब वह सिद्ध हो जाती है। लेकिन यह इतनी भयंकर होती है कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता सभी को पड़ती है। बिना गुरु और गुरु मंत्र के डाकनी सिद्ध नहीं होती है। यह अत्यंत भयानक उग्र होती है एवं सिद्ध होने के बाद सभी प्रकार के कार्यों में सक्षम होती है। अतः इनकी साधना अत्यंत गुप्त तरीके से की जाती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहें दिव्यदृष्ट के साथ, देखते रहें रोचक जानकारी भरे वीडियो, और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आने वाली वीडियो के विषय में आपको जानकारी मिलती रहे, तथा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके लिख सकते हैं।